हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जो बेन फंड एप्लीकेशन है ना, वो सिक्योर हो गया है। तो यहाँ पे अभी के लिए यूपीआई आईडी को हटा दिया गया है। जैसे कि सर जब रिचार्ज कर रहे थे तो यहाँ पे एक जो है यूपीआई आईडी मिलता था। जैसे कि चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि आपको एक यूपीआई आईडी मिलता था जिसमें आपको यूटीआर यूटीआर फिलअप विलअप करना पड़ता था। इस समय देख लीजिए, एक पेटीएम का ऑप्शन आएगा, एक क्यूआर का। तो आपको इस समय यही देखने के लिए मिलेगा। ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी जो कल या परसों के रेट में एक घोटाला हुआ था लमसम 20-25 हज़ार का। जैसे कि वहाँ पर कोई बंदा जो है अलग तरीके से, पता नहीं कैसे, वहाँ पे अपना ही यूपीआई आईडी देता था और जो कस्टमर लोग जो है ना उसी पे करते थे और पैसा उनके पास चला जाता था। इसलिए यहाँ पे दूसरा नियम लगा दिए। एक कुछ दिनों तक ऐसा चलने वाला है। जब भी इनका सही हो जाएगा तो दोबारा से यहाँ पे यूटीआर का ऑप्शन आ जाएगा। तब तक के लिए अगर आप लोग जो इस तरीके से अभी फ़ोनपे से या फिर पेटीएम से रिचार्ज करना नहीं जानते, मैं आपको अभी सिखा दूँगा। तो चलिए बताते हैं कैसे आपको रिचार्ज करना है, कैसे क्या करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक प्लान दिखाना चाहता हूँ 2000 वाला, जो कि मैं यहाँ पे 2000 लाइव इन्वेस्ट करूँगा, जिसमें उसमें आपको 300 रुपये का सब्सिडी भी मिलेगा। जैसे कि ये जो 2000 दिख रहा है, इसको बाय करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 806 रुपये मिलता है। वैसे कि जब आपका 13 दिन कम्प्लीट हो जाता है, 13वें दिन आपको जो कस्टमर केयर से संपर्क करना, वहाँ पर 300 रुपये आपको और मिल जाएगा, जो कि सब्सिडी जिसको बोलते हैं। तो चलिए पहले हम जो 2000 यहाँ पे जो है रिचार्ज कर लेते हैं, तब आपको आगे करते हैं। तो चलिए रिचार्ज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे 2000 टाइप करते हैं, तो हमने टाइप भी कर दिया। तो देख लीजिए पे का ऑप्शन आ गया और क्यूआर का ऑप्शन भी आ गया। तो चलिए पहले हम पैसा वैसा पे कर लेते हैं, तब बात करते हैं। तो जैसे कि 2000 पे करने वाले हैं, तो चलिए पे कर देते हैं 2000 रुपया। तो यहाँ पे चलिए अपने फिलअप कर लेते हैं। तो जैसे कि 2000 रुपये पे हो गया है, तो चलिए दिखाते हैं वहाँ पे। अभी वहाँ पे सक्सेस होने का ऑप्शन भी आएगा। वहाँ पे जब सक्सेस का ऑप्शन आएगा तो चलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ऐसे आपको क्यूआर के माध्यम से भी पैसा पे करना है। तो देख लीजिए पेमेंट सक्सेसफुल लिख दिया ना, यहाँ पे हमारा पैसा जो है बेन फंड में ऐड हो गया। तो आपको इसी तरीके से रिचार्ज करना है। तो चलिए यहाँ पे बैक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2000 रुपये हमारा डन हो गया है। तो यहीं पर 2000 वाला प्लान भी बाय करूँगा। तो चलिए यहाँ पे 2000 वाला बाय कर लेते हैं। तो मेरा बाय हो गया सक्सेसफुली। तो यहीं पे जो लोग फ़ोन पे से यहाँ पे रिचार्ज करना नहीं जानते हैं, मैं आपको वो भी तरीका बता दे रहा हूँ। तो चलिए रिचार्ज भी क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं, 455। सेम वही तरीका है, आपको जो है इसे क्यूआर को लेना, अपने फ़ोन पे को खोलना, उस पर जो है आएगा ऑप्शन, वहाँ पे 2000 अपना पे कर देना है। यहाँ पे उसे क्लिक करेंगे। अगर आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है या फिर है भी, तो आप एक क्यूआर का सहारा ले सकते हैं। क्यूआर से सबसे बेस्ट है, यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जो क्यूआर पे जो है यहाँ पे स्कैन कर लेना और हल्का से ऐसे कर देना, जैसे कि आप करते हैं ऐसे कर देना, तब जाके पे करना। जब पे हो जाएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना, तो आपका जो है कम से कम 10 सेकंड लेगा। यहाँ पे आपका सक्सेस, जैसे हमने आया मेरा 2000 रुपये ऐड हो गया था, ऐसे आपका भी ऐड हो जाएगा। तो कोई चिंता लेने वाली बात नहीं। अगर कोई बंदा बाहर से आपको चैटिंग करता है कि आओ इस UPI ID पैसा पे कर दो, आपका जो भी फंड में ऐड है, कोई किसी का बात नहीं मानिएगा। आप लोग स्वयं जो एप्लीकेशन खोल के रिचार्ज करिएगा, तभी आपका रिचार्ज एप्लीकेशन में ऐड होगा, ना कि किसी बंदे का UPI ID लेकर करेंगे तो उसमें आपको उसी बंदे के पास जाएगा, ना कि एप्लीकेशन में आएगा। तो आप लोग आगे से ख्याल रखना। तो मैंने आपको टोटली समझा दिया कैसे आपको रिचार्ज करना अच्छे तरीके से। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, तो आप लोग जो कस्टमर केयर से हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।